हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्टडी पॉइंट जीरो में। तो साथियों, ये हमारी साइंस की क्लासेज और यहां पर हम क्या करते हैं, ग्रुप डी के पेपर का सोल्यूशन करते हैं। यानी कि ग्रुप डी में जितने भी साइंस के प्रश्न आए सभी का हम डिस्कस करते हैं बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, आज हम करने वाले 19 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का सोल्यूशन। ठीक है, तो तैयार है आप सभी? आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर होगा प्रश्न, आपको क्या करना है उसका आंसर देना है कॉमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो लीजिए आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडल की आवर्त सारणी में उचित स्थान नहीं पा सका। ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर पा सका लिखा हुआ लेकिन यहाँ पर आएगा नहीं पा सका। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके पास, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो जिसको मेंडलीफ ने उचित स्थान नहीं दिया था। ठीक है, जहां तक ये उसकी एक फेलियर का कारण था, वजह भी रहा था। ठीक है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता। ठीक है, यानी कि ऑक्सीकृत नहीं होता, जलता नहीं है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, दीजिए इसका आंसर। देखिए, तो पहला ऑप्शन है मिश्र धातु। ठीक है, अर्धचालक, सुचालक और कुचालक, सभी का आपको पता होगा क्या होता है मिश्र धातु, अर्धचालक क्या होता है, सुचालक क्या होता है और कुचालक क्या होता है, पता होगा ना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ना वो हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। यानी मिश्र धातु जो है, मिश्र धातु ये जो है उच्च तापमान पर क्या होता है, ऑक्सीकृत नहीं होता। अब मिश्र धातु क्या होता है, ये दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण है, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी जल्दी करेंगे फ्रेंड्स, हमारे पास ढेर सारे प्रश्न है। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी सारे प्रश्न करेंगे शिफ्ट के। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि किस पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे प्रश्न कहा गया कि वो कौन सा पदार्थ है जिसका क्या, जिसका गंध अम्लीय और क्षारीय मीडियम में क्या होता है, बदल जाता है और उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, घ्राण सूचक। उसको हम क्या कहते हैं, घ्राण सूचक कहते हैं। ठीक है, घ्राण सूचक कहते हैं। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए क्या कहता है। एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है। ठीक है, कोई वस्तु है अपनी स्थिर अवस्था से चलना शुरू करता है। ठीक है, वह दो सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, तो इसका त्वरण क्या होगा। तो हमें क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, त्वरण बताना है। तो इस पर यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ हमें, देखिए पहला दिया हुआ है कि वो स्थिर अवस्था से चलती है, यानी कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वो 2 मीटर पर सेकंड है, यही दिया हुआ है ना। ठीक है, और हमारे पास क्या है, यानी कि हाँ क्या है, 2 सेकंड है, यानी सॉरी यहाँ पे क्या है, 2 सेकंड हमारे पास टाइम है, और 5 मीटर पर सेकंड जो है फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, और टाइम कितना है, 2 सेकंड है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा होगा, ए वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पढ़ा है ना। यहाँ हमारे पास वी दिया हुआ है, यू हमें पता है और ए निकालना है, टी हमें पता है। ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं, सभी को हम यहाँ पे पुट करेंगे। वी हमारे पास 5 है, यू 0 है और ए कितना है, ए निकालना है हमें और टी कितना, 2 है। तो यहाँ से आपका आ गया ए बराबर 5/2। ठीक है, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्या कहते हैं, नेक्स्ट कहता है 10 किलोग्राम, एक 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान है वस्तु की गतिज ऊर्जा। यानी कि हमें क्या बताना है, गतिज ऊर्जा बताना है, यानी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ हमारे पास दिया हुआ है मास, द्रव्यमान दिया हुआ है 10 किलोग्राम। ठीक है, और उसके बाद वेलोसिटी दी हुई हमें। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है,
5 मीटर पर सेकंड, क्या है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एम आई राइट, ओके 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा गया, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, अगर मैं लिखूं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv² होता है, होता है कि नहीं होता है। तो अपने पास क्या है, मास क्या है, m क्या है, m कितना दिया हुआ है, m 10 दिया हुआ है, और v कितना है, v 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर देंगे 10 और गुना में 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया 1/2, 10 गुना में 25, ठीक है, और हमने 5 पे काटा इसको और 25 यानी 125 आ गया, 125 क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी की जो ऐसा ही मात्रक होती है वो जूल होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है। देखिए अब क्या कहता है यहाँ पर कि मुक्त रूप से फ्री फॉल गिरना किस में संभव है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है, वातावरण में, इन्वायरमेंट में, ओके, दूसरा है वायु में, वायु में, ठीक है, और तीसरा है समुद्र में या फिर निर्वात में। तो किस में होगा मुक्त रूप से गिरना, फ्री फॉल हम किस में गिर सकते हैं। तो जो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ना, यानी आंसर नंबर, आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी निर्वात में। आपको पता होगा कि जो वैक्यूम होता है, निर्वात होता है, वहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई कण पार्टिकल नहीं है जिससे कि हमें कोई रेजिस्ट नहीं करता है, ठीक है, वहाँ पर रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो है, तो इसलिए वहाँ पर फ्री फॉल गिरना संभव है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहता है कि विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। डिफ्यूजन यानी कि विसरण के बारे में क्या संभव नहीं है। विसरण आपको पता होगा क्या होता है, विसरण, विसरण क्या होता है कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स या फिर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जब कोई भी पार्टिकल है ना हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के बीच फॉलो करता है, हाई कंसंट्रेशन से क्या करता है, लो कंसंट्रेशन की तरफ फॉलो करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, पहला ऑप्शन नंबर ए हम पढ़ते हैं, विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो। सही बात है ना, गति करेगा तभी विसरण होगा। गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है। सही बात है, गैस ज्यादा मूव करते हैं ठोस और लिक्विड के कंपेयर में। उसके बाद तीसरा है, गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। बिल्कुल ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना उसके आयतन पर निर्भर नहीं करता है, ये गलत है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर हम चार भी, चौथा भी पढ़ लेते हैं, क्या कहते हैं, देखिए, विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते, यही तो इसका डेफिनेशन है विसरण का, है ना, कि जो विसरण में ना कण वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, इसमें पत्तियां क्या करते हैं, प्लांट्स अपना भोजन बनाता है, ठीक है, भोजन बनाता है, तो भोजन बनाने के लिए उसको किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, ये हमसे पूछा गया। तो क्या क्या ऑप्शन है, क्लोरोफिल बिल्कुल ये तो चाहिए, ठीक है, उसके बाद है सूर्य का प्रकाश, ये भी जरूरी है, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी जरूरी है, और चौथा क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन क्या होता है, उसका तो प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन ही तो बनाता है, तभी तो वो रिलीज करता है, और रिलीज करने के बाद हम उसको ग्रहण करते हैं। तो आपका जो यहाँ से आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन, ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि टंगस्टन का गलनांक पॉइंट क्या। देखिए जब हम थ्योरी करवाए थे, तो थ्योरी जब हम करवा रहे थे ना, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जो टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक पॉइंट होता है, वो कितना होता है, कितना होता है, 3380 डिग्री होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न, तो लीजिए आपके सामने है ना, ये ग्रुप डी में पूछा गया है, 19 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था ये प्रश्न। तो कितना होता है टंगस्टन का, टंगस्टन का कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट,
ठीक है, ये होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा ए, ए इज द राइट आंसर है। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता है कि जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। देखिए ये सब करवाया हुआ प्रश्न है, अगर आप लोगों ने थ्योरी की क्लास ली होगी ना तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि जब कोई भी धातु है ना पानी के साथ या जल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या रिलीज करता है, कौन सी गैस रिलीज करता है। तो मान लीजिए कोई भी गैस है, ठीक है, सोडियम है, सोडियम को हमने क्या किया है वाटर के साथ रिएक्शन करवाया है, जल के साथ रिएक्शन करवाया है, तो ये क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है, और प्लस में H2 गैस रिलीज करता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस क्या करता है, रिलीज करता है। तो यहाँ से आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे किसका निर्माण करती है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या कहता है कि जब लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग कोशिकाएं आपस में मिलते हैं, संयोजन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वहां पे क्या बनता है, वहां पे बनता है जायगोट बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है युग्मनज वो हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए युग्मनज, युग्मनज, ठीक है, क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है। देखिए भाई साहब ये हम कब से कर रहे हैं, जब से हमने क्लास शुरू किया ना, जब से हम प्रश्न करवा रहे हैं ग्रुप डी का, तब से ये प्रश्न आ रहा है, या तो न्यूमेरिकल पूछ रहा है या डेफिनेशन पूछ रहा है। आज क्या है, आज तो हमसे फार्मूला ही पूछ लिया। तो क्या होता है, बल और विस्थापन का, बल गुणा विस्थापन का जो गुणनफल होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ये कार्य ही तो है, कार्य है, क्या है, वर्क है, कार्य, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा यानी कि सी, सी इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षाएं तापमान पर द्रव्य अवस्था में होती हैं। ये भी बताने की जरूरत है क्या, इस प्रश्न का आंसर बताने की जरूरत है क्या, ये तो सभी को पता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर क्या है, लिक्विड अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में एग्जिस्ट करता है, रहता है। तो क्या होगा आपका ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी। जिसको नहीं आता ध्यान दीजिए, बी, बी इज द राइट आंसर, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, ठीक है, यानी कि एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होते हैं। तो पता है आप सभी को कितने होते हैं, एक एवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं, एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, एक एवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, और एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.023 × 10^26 इतने नंबर के बराबर होता है, क्लियर। ये सभी ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन नंबर है ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, ठीक है, आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, द्रव्यमान 400 किलोग्राम की बंदूक के संवेग की गणना करे जब इसके प्रतिघात का वेग 0.25 मीटर पर सेकंड होता है। तो सीधी साधी भाषा में मैं बताऊं आपको, यहाँ पे आपको निकालना है संवेग निकालना है, ठीक है, संवेग निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, देखिए संवेग क्या होता है, संवेग क्या होता है, ये होता है द्रव्यमान गुणा में वेग, ठीक है, मास इंटू में वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, आपके पास मास दिया हुआ है और वेलोसिटी दिया हुआ है, यहां से आपका आप क्या कर सकते हैं, संवेग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मास कितना है 400 किलोग्राम, ठीक है, और वेलोसिटी कितनी 0.25 मीटर पर सेकंड, 0.25 मीटर पर सेकंड, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हटा के 1/4 लिख सकते हैं ना, ठीक है, और इसको हम काट देंगे 100 पे, यानी कि आपका जो हो जाएगा 100 आ जाएगा,
ठीक है, संवेग आ गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एक 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 किलोग्राम की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, ठीक है, तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, सिंपल है क्या पूछा गया है यहाँ पे, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ आपसे पूछा गया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और कैसे निकालते हैं, वही पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, गुरुत्वीय बल यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, एम जी एच होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, क्या होता है स्थितिज ऊर्जा, एम जी एच होता है, मास आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ मास, 1 किलोग्राम दिया हुआ, और हाइट कितनी है 30 मीटर है, और जी हमें पता ही है, जी इसमें दिया भी है, दिया भी है इस प्रश्न में, तो एम अपने पास है 1 किलोग्राम, जी दिया हुआ है कितना 10, और एच है, एच कितना 30, तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा 300 जूल, 300 जूल कहीं है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है, तो उसका जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो कैसा बनेगा, किस प्रकृति का बनेगा, ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो कैसा बनता है, तो हमने आपको बताया था कि जब वस्तु, मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये हमारा क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे इसका केंद्र है सी, और यहाँ पे मुख्य फोकस बिंदु है ये, अगर वस्तु को हम यहाँ पर रखते थे ना, तो जो हमारा प्रतिबिंब बनता था, जो हमारा इमेज बनता था, वो कहाँ बनता था, ये यहाँ बनता था कहीं, ठीक है, यहाँ पर है। तो ये अगर जिधर वस्तु रखी होती है, अगर उधर प्रतिबिंब बनती है ना, तो वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनता है, और अगर नीचे है तो उल्टा होगा, तो यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, जो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, समझ में, ओके। लास्ट प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, आपको दिया हुआ है ऑप्शन, कार्य करने की दर के बराबर होता है, कार्य करने की दर के बराबर होता है, या किसी गतिमान वस्तु द्वारा अवशोषित ऊर्जा होता है, या किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का वेग योग होता है, या यांत्रिक कार्यों के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा होता है, ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है भाई साहब, क्या होता है ये, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग ही होता है, ठीक है, क्या होता है यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, ये होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, यानी कि गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग होता है, ठीक है, क्या गतिज ऊर्जा, तो यहाँ तक क्लियर। तो ये थे हमारे प्रश्न जो आरआरबी ग्रुप डी 2018 में 19 सितंबर के पहले फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न है, क्लियर, तो आपको बस ये देखना अब इसमें कि आपने इसमें से कितने सही प्रश्न किए, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा शेयर कीजिए, मिलते हैं अगली क्लास में।